उज्जैन के खाशो तहसील के गांव चापाखेड़ा में डूडिया तक पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा लगभग 3 वर्ष पहले एक रोड स्वीकृत होकर बना था। जिस समय रोड को बनाया गया उस समय बारिश का सीजन चल रहा था और बनाते समय भी बारिश हो रही थी, किंतु ठेकेदारों अधिकारियों के द्वारा बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया और बारिश के समय में घटिया मटेरियल का उपयोग कर रोड बनाया गया, किंतु यह रोड भी ज्यादा समय नहीं चला और वर्तमान में इस रोड की हालत खस्ता हो रही है। पूरा रोड उखड़ चुका है और रोड पर पत्थर ही पत्थर हो गए हैं। अधिकारी इस रोड की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत बने हुए रोड में भ्रष्टाचार व्याप्त है। ठेकेदार और अधिकारी दोनों के मिलीभगत के कारण पीडब्ल्यूडी विभाग का यह रोड जहां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, तो वहीं अन्य रोडों की हालत भी कुछ ऐसी ही है। यदि हम बात करें मेन बंजारी रोड की, तो यह रोड 2016 में भूमि पूजन होने के बाद अभी तक भी पूर्ण नहीं हुआ है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभाग का कार्य किस गति से चल रहा है। वर्तमान में भी इस रोड की हालत भी खस्ता आई है। हालांकि बीच बीच में कार्य प्रारंभ होता है और फिर बंद हो जाता है। जब पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं तो लगभग 2 वर्षों से उनका एक ही रटा रटाया जवाब आता है कि जो रोड खराब है उसका पैसा ठेकेदार को नहीं दिया गया है, किंतु इससे जनता को तो नुकसान ही हो रहा है। जहां शासन ने जनता की मूलभूत सुविधा के लिए राशि स्वीकृत की थी, किंतु ठेकेदार की उदासीनता के चलते जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे विभाग के द्वारा संबंधित ठेकेदार के ऊपर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? और यदि रोड पूरा नहीं हुआ तो जो बना है उसका पैसा भी क्यों निकाला गया? यदि यह अधिकारी जो रोड बना है उसका पैसा भी नहीं निकालते तो संभवतः ठेकेदार अब तक इस रोड को पूरा कर चुके होते, किंतु जितना रोड बना है उसका पैसा देकर और अब ना ही ठेकेदार इस रोड को बना रहा है और ना ही अधिकारी ठेकेदार के ऊपर कोई दबाव बना पा रहे हैं, जिससे अभी भी जनता को नुकसान हो रहा है।